जे तो पुत्र पाओ सतगुरु ने ते फिर घर का छो मो ते इको गल चेते रखो कि जे ज्यौना ते अणख नाल ते जे मरना ते धर्म वास्ते। सतगुरु ग्रंथ साहिब जी का निंदक ते धिया भैणा की इज्जत तकन वाला कोई व्यक्ति होवे ओनू मुआफ नहीं करना, बाकी सबर रखना। जे अणख नाल ज्यौना ते शहीदी वास्ते तैयार होवो ते बेगैरती ते बेअणखी की जिंदगी नाल ज्यौना ते फिर जिथे मर्जी तुरे फिर तुहानू कोई हाथ नहीं लाउंदा गा। जदों तक शरीर च स्वार्थ है मैं निश्चय नाल कहना चाहुंदा भावे 20-30 लाख भी एक बंदा आ जाए पुलिस का जिउंदिआं नूं फड़ के नहीं लिया सकदी, गुरु साहिब दी कृपा है। जिहड़ा उन्हां शहीदां दा हक लैके उत्थों निकलना तुहाडा कम, इत्थे संभालना मेरा कम, प्रोग्राम संभाल लिया। खबरां तां बेशक देव लोग अखबार ते अखर तां लिखिया जा सकदा वी रोपिया है, पर पता नहीं किहनूं तां मारनियां पैणियां। मैं तां मारनियां नहीं, क्योंकि साडा पिछोकड़ी तकियां तवियां ते बहिणदा है, बंद बंद कटवाउण दा सूलां दीआं सेजां ते सौंदा है। जे फोटो रखनी है ते धर्म दी कमाई करनी है ते चरखड़ी दी फोटो रख्या करो, असीं चरखड़ी ते चढ़ना है। इहदी चिंता ना करो, करे तुसीं इहनां नूं इक वार आउण दिओ सही किराए, इस पास नूं ढेरियां ला के ट्रक भर के तोड़दा वेख इहनां दे किवें है। गुरबचन दे भवन च पहुंच के ओहदी धौ ते रख के गोडा ओहदी वक्खी विच नहीं लगा के कौम नूं जिंदिया कीता है, मेरा कोई हक नहीं बनदा उहनूं सेवा करनी। जिहड़ी टकसाल बंद बंद कटवा के सुखमनी साहिब दीआं 16 अष्टपदियां पूरियां कर सकदी है, बाहर जाके खुसरे बन के सौ क्यों जाने हैं? क्यों नहीं शस्त्रधारी होंगे? क्यों नहीं हथियारबंद होंगे?